हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मुन्ना माइकल के 7 दिनों कलेक्शंस के बारे में। यानी कि एक हफ्ता पूरा खत्म हो चुका है, छठे दिन का कलेक्शंस मैं नहीं बताया क्योंकि मुझे प्रॉपर पता ही चला था। आज आपको पूरा ए टू जेड कलेक्शन बताऊंगा, फर्स्ट डे से लेकर 7 डेज तक का, और साथ ही बताऊंगा कितना इस फिल्म तक कितना कमा सकती है। चलिए पहले दिन के कलेक्शन की बात करते हैं। 6.65 करोड़ का ऐसा कलेक्शन था। दूसरे दिन 6.32 करोड़ का कलेक्शन है। तीसरे दिन 8.70 करोड़ का कलेक्शन, यानी कि तीसरे दिन फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमाई की थी। मंडे कलेक्शन ड्रॉप हुआ था 3.25 करोड़, उसके बाद सिर्फ ड्रॉप होते गया। ट्यूजडे 2.65 करोड़, यानी करीबन करीबन 2.5 करोड़ आप पॉइंट के चलिए। वेडनेसडे 2.15 करोड़, और थर्सडे, वेडनेसडे मतलब जो मैंने नहीं बताया, 2.15 करोड़ है, यानी 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और ट्यूजडे को इसने जो कमाई, आई मीन थर्सडे को, वेडनेसडे का तो बता दिया मैंने, थर्सडे को जो इसने कमाई की है 1.90 करोड़, यानी कि जो कल की कमाई है 1.90 करोड़ है, 2 करोड़ भी नहीं आई है। और फिल्म का टोटल हो चुका है 31.62 करोड़, यानी कि 31.5 करोड़ आप पकड़ के चलिए। कहा जा रहा है कि मतलब कहीं आप ये भी सोचते होंगे कि यार कलेक्शंस इसने जो स्टार्टिंग से लेकर बताया है हफ्ते भर के थोड़े बहुत डिफरेंस आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, कई बार कलेक्शंस जो आ जाते हैं वो कभी कभी कुछ लाख आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कभी करोड़ों में भी डिफरेंस होता है। तो ये बड़े से बड़े क्रिटिक्स को भी नहीं पता होता है कभी कभी कि एग्जैक्ट कलेक्शंस क्या होता है, वो कुछ दिन बाद आ जाके अपडेट होता है। तो वो एक वापस अपडेट करके उस कलेक्शन को पूरा का पूरा पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी कलेक्शन से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है। ये प्रोड्यूसर्स फिगर है, और इस फिल्म का बजट मेरे हिसाब से 40 करोड़ के आसपास है, 40 से 45 करोड़ मेरे ख्याल से उससे कम नहीं होगा। तो इसे रिकवर करने में कम से कम इसे और 1-1.5 हफ्ते लग जाएंगे। मुश्किल है इसे अब ज्यादा कलेक्शन करना, क्योंकि मोबाइल का रिलीज हो गई है आज, तो मोबाइल का से इसकी अच्छी खासी क्लैश होगी। जो अपने उसका फर्स्ट जो इसका 8वां डे होगा, यानी मुन्ना माइकल का, तो देखते कितना आगे निकल पाती है मुन्ना माइकल, या कितना टक्कर दे पाती है टाइगर श्रॉफ और निधि अग्रवाल की ये फिल्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल था। आपको ये कलेक्शन के आंकड़े कैसे लगे, जो 31.62 करोड़ है, आप जरूर बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूले। चलिए, नहीं बाय।